हे गाइस, आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी लैपटॉप विंडो यहाँ पर अपडेट या फिर रीस्टार्ट मांगती है तो उसे आपको किस तरीके से करना है। जैसे कि मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, जो मेरी फाइल्स हैं मैं इन्हें बंद कर रहा हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे में विंडो आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉर्नर में। उसके बाद में सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट वगैरह हुआ वो होगा वो आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपकी विंडो में कोई भी आप काम करते हैं तो ये अपडेट वगैरह मांगने लगती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपडेट रीस्टार्ट, ठीक है, तो मैं चलिए रीस्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप जो भी काम करते होंगे तो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडो रेडी डू नॉट ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कि आपको अपना कंप्यूटर अभी यहाँ पर बंद करना नहीं है, ऐसे ही चलते रहने देना है, ठीक है। अब जो मेरे लैपटॉप में यहाँ पर जो विंडो है वो ओरिजिनल विंडो है, जैसे कि मैंने लैपटॉप लिया था तभी ये पढ़कर आई थी इसके अंदर, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपका यहाँ पर जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो विंडोज़ की अपडेट सेटिंग्स होती हैं जो कि इंटरनेट ज़्यादा खर्च करता है या फिर बार बार अपडेट मांगने लगता है, तो वो आपको सेटिंग्स बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने विंडोज आइकन पर। चलिए मैं विंडोज आइकन पर सिंपली क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ, और उसके बाद में हमें यहाँ पर जाना है, देख सकते हैं विंडोज अपडेट, ठीक है। इस पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सही का टिक आ जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है, अगर आपकी विंडो अपडेट होगी होगी तब, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर अप टू डाटा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं चेक फॉर अपडेट, ठीक है, जो भी जिस यानी कि जितने भी समय अपडेट हुई है जिस डेट में वो आपको यहाँ पर देखने को तो मिल जाएगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी विंडो यहाँ पर अपडेट हो जाती है तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है। काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं कि विंडो हमें अपडेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरी सलाह है कि आपको विंडो अपडेट ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि 15 दिन में, या फिर आपके पास इंटरनेट अच्छा खासा है तो आपको हफ्ते में विंडो को अपडेट वगैरह कर लेना चाहिए जब भी अपडेट आए तब, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक करें।